So today we will start with agriculture and hopefully we need to finish it as well. Okay? क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे फोर्सफुली हमें रैंडम फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, तो हम उनको जितना क्लास में याद कर लें उतना हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअली एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एग्रीकल्चर अगर आपको पढ़ना है तो यू नीड टू नो द सॉइल्स ऑल्सो, पर मैं आपको एग्रीकल्चर पहले पढ़ा रही हूँ सॉइल से पहले, सो दैट क्योंकि ये इतना टफ नहीं है, बस हम एक एक क्रॉप्स पढ़ेंगे और एक एक क्रॉप्स कौन से सॉइल में यूजुअली उग सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर मैं पहले आपको क्रॉप्स पढ़ा रही हूँ क्योंकि क्या होगा कि कितना आपका ग्रास्पिंग पावर है वो मैं देख सकती हूँ जब हम सॉइल पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको यहीं पे याद रख लेना है कौन सा सॉइल है, ताकि जब मैं सॉइल पढ़ाऊँ और सॉइल को इन डिटेल पढ़ाऊँ आपको एग्जाम्पल्स याद रहे कि इस सॉइल में ये क्रॉप उगता था, मैम ने पढ़ाया था। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर। सो वी नो दैट इंडिया इज अ वेरी एग्रेरियन कंट्री, ओके। So most of the people in this country are dependent on agriculture as a source of earning. Okay, so mainly basically in India there are different types of agriculture, you know, that has been practiced. So those type of agricultures, those type of farming, we have divided into primarily three parts. Fine. So the first one is your primitive subsistence farming, okay, and the next one is intensive subsistence farming. Fine. And the third one is commercial farming. Okay? तो ये basically ये तीन main type of farming है जो India में होती है अभी भी. Fine? So first one is your primitive subsistence, second one is your intensive subsistence, and the third one is your commercial farming. Fine? तो हम start करेंगे आपका from primitive subsistence farming. Now primitive subsistence farming out of the three types of farming is most common. Why? Because primitive subsistence farming is, you know, it is that type of farming which is usually done by the poorer farmers. Okay, whatever they yield it for the family to consume. Okay, it is not for selling purpose. If they get it in extra, then they sell it. But usually it is done to consume for their family. For the consumption of their family, they do this type of farming. Okay. So here let's come to the points. क्या लिखा हुआ है कि this type of farming is small patches of land. Obviously मैंने अभी कहा कि poor farmers करते हैं, can you hear me? Okay, fine. Then which my connection issue.
ठीक है, तो फिर मैं आपको प्रिमिटिव क्या प्रिमिटिव फार्मिंग में थे, राइट? हमने पढ़ा कि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फार्मिंग एंड इट इज यूजुअली प्रैक्टिस्ड बाय द पुअर फार्मर्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर कंट्री, राइट? 60% ऑफ आवर कंट्री इज फार्मर आर पुअर एक्चुअली एंड दे बिलोंग टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फाइन? तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, दे यूजुअली हैव स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, पॉइंट वाइज याद रखना है, दे हैव स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ओके, एंड दे यूज वेरी प्रिमिटिव टूल. तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में अगर आपको टूल्स याद ना रहे तो प्रिमिटिव से ही याद रख लेना कि दे यूज बहुत पुराने जमाने के टूल वो यूज करते हैं, सिंपल टूल्स यूज करते हैं, लाइक हो, दाओ, डिगिंग स्टिक, ओके. नाउ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट मॉनसून, ओके. Second is natural fertility of the soil. Third is suitability of our environment. Now ये क्यों है? इसमें देखो सब कुछ nature का दिया हुआ है. Monsoon भी nature control करती है, natural fertility of the soil और ठीक है, और suitability of the environment. क्यों? क्योंकि वो लोग गरीब हैं, they cannot afford you know all the modern techniques. इसीलिए वो पूरे nature पे dependent होते हैं, वो monsoon पे dependent होते हैं, वो natural fertility of soil पे dependent होते हैं. Got it? ओके. तो यहाँ जो मैंने आपको बताया कि जस्ट बिकॉज वो अपने कंजम्पशन के लिए, अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए इसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर इन्वॉल्व भी कौन होता है लैंड में, पूरे प्रोसेस में, हार्वेस्टिंग प्रोसेस में? फैमिली. सो द फैमिली और द कम्युनिटी लेबर इज इन्वॉल्व, फाइन.
Am I audible now? Right. Okay, fine. इसमें मेरा बहुत टाइम चला जाता है. हाँ ठीक है. तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में और क्या क्या है, ठीक है. इस टाइप ऑफ फार्मिंग के अंदर एक टर्मिनोलॉजी आता है, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है कि इस कल्टीवेशन में जो इंसान है, जो उस पर जिस पैच ऑफ लैंड में कल्टीवेशन कर रहा है, वो बार बार शिफ्ट करता रहता है पैच ऑफ लैंड, ठीक है. एक ही जगह नहीं कर रहा होता है वो. तो within this type of farming there is also something called shifting cultivation or practiced on log karte hai tribal log, okay, nomads log. You must have heard about nomadic life. ek jagah wo nahi rehte hain, wo idhar udhar jaate rehte hain. to jahan pe bhi wo jaate hain, wo wahan pe ek small patch of area, usually ye mountainous area mein hota hai. okay, mountainous area mein hota hai, theek hai. तो इसीलिए माउंटेन एरियाज में वो क्या करते हैं कि वो एक जगह को साफ करते हैं, आपका पैच को बर्न करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, ठीक है. फिर उस पर उनको जो उगाना होता है वो उगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सूटेबल एनवायरमेंट कंडीशंस, ठीक है. उसके बाद वो उसे छोड़ के फिर से शिफ्ट कर जाते हैं. तो यही चीज लिखा हुआ है कि दे बर्न एंड क्लियर अ पैच ऑफ लैंड फर्स्ट, फाइन, एंड दे प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फ्रूट क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली. वो भी अपने फैमिली के लिए करते हैं, सिंस इट कम्स अंडर प्रिमिटिव सस्टेनेंस फार्मिंग. तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर हमारा मेन क्या है कि वॉट एवर फार्मिंग इज डन, इट इज डन जस्ट फॉर द फैमिली, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस. फाइन, दे आर पुअर, दे हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ओके, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ठीक है. तो उसी में ही अगर माउंटेन एरियाज में कोई ऐसा कर रहा है, दैट इज यूजुअली डन बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज, दैट इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन. नाउ शिफ्टिंग कल्टिवेशन में कुछ यूनिक चीजें हैं. क्या है, दैट दे बर्न अ पैच ऑफ लैंड इन द माउंटेन एरियाज, ओके, देन दे ग्रो द फूड ऑब्वियसली. व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, द फार्मर क्लियर्स अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड. जो मैंने आपको कहा ना कि वो शिफ्ट कर जाते हैं, वो शिफ्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है. जब भी उस लैंड ऑफ पैच ऑफ लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, दे विल शिफ्ट. नाउ व्हाई द फर्टिलिटी डिक्रीजेस, ओके, जिसको उन्होंने बर्न करके अच्छे से ठीक से किया था, उसकी फर्टिलिटी क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वो एक माउंटेनियस एरिया है, ठीक है. तो वहां पे जब बारिश होती है ना, तो सॉइल क्या होता है, वो धुल जाता है. तो उससे क्या होता है कि आपका जो भी फर्टिलिटी होती है वो भी उसके साथ धुल जाती है, फाइन. तो जब भी ऐसा होता है रेनी सीजन में, दे विल अगेन जस्ट जंप टू सम अदर पैच ऑफ लैंड, दे विल अगेन बर्न इट, दे विल अगेन क्लियर इट. समझ में आ रहा है, वेरी नॉर्मल, वेरी बेसिक थिंग्स. तो क्या होता है कि और एक फायदा क्या होता है कि जो लैंड को वो छोड़ के जाते हैं, जैसे आपने इमेज में देखा होगा ये जला हुआ लैंड है, ठीक है, इस पे इन्होंने ग्रो किया, फिर इसको ये लोग छोड़ के चले गए, तो क्या होगा कि यहाँ पे बारिश होगी, पर फिर से होगी, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये रिप्लेनिश करने लगेगा, इसका धीरे धीरे फर्टिलिटी आने लगेगा. तो ये क्या करता है, हेल्प भी करता है. हम लोग एक एक जगह में, अगर हमारे गाँव में जैसे हमारा कोई जमीन है, हम उसमें बार बार उगाते हैं कुछ ना कुछ क्रॉप्स बार बार उगाते हैं, पर उसमें थोड़े देर के लिए हम छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ देते हैं, ताकि थोड़ा सा फर्टिलिटी वापस आए, नहीं तो इट विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द कंप्लीट फर्टिलिटी, राइट. तो इसी तरह यहाँ पे रीजन क्या है, द सेम रीजन, लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर एंड अदर मॉडर्न इनपुट्स, जो कि सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का तरीका है. दे यूज वेरी सिंपल टेक्निक्स एंड वेरी सिंपल, you know, usual fertilizer, natural fertilizers, okay, and it is known by different names in the different part of the country. ये याद रखना है examination point of view से, ठीक है, कि ये जो हमारा shifting culture cultivation है, इसको हम क्या बोलते हैं. देखो मैं next slide में बताती हूँ. Shifting cultivation को आसाम, मेघालय और मिजोरम में झूम बोलते हैं, ठीक है, झूम cultivation. तो ये कौन सी तीन जगह है, आसाम, मेघालय एंड मिजोरम. तो झूम कल्टीवेशन इज डन इन आसाम, मेघालय एंड मिजोरम, एंड झूम कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन. समझ में आ रहा है, लेयर बाय लेयर है, तो कभी क्वेश्चन में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, फाइन. इस तीन जगह इसे झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, और नागालैंड में इसे पामलॉक कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है, पामलॉक कल्टीवेशन, ओके.
और छत्तीसगढ़ में जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कल्टीवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे नाम है जो याद रखने हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फाइन, तो छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं, पैमलो बोलते हैं नागालैंड में, और झूम कल्टिवेशन बोलते हैं आसाम, मेघालय और मिजोरम में। और ये क्या है, ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अगेन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस कल्टिवेशन। फाइन, याद रह गया अभी थोड़ा सा, है ना? एक बार और ना ये क्लासेस के बाद एक बार रिवाइज कर लोगे तो याद रह जाएगा। फाइन, नाउ कमिंग टू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, द सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग विच वी टॉक्ड अबाउट। अभी हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग खत्म हो गया, ठीक है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है कि इट इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है पहले सुन लो। क्या होता है कि अगर पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जितना पॉपुलेशन है उतना लैंड नहीं है एक एक इंसान के लिए, ठीक है? तो अगर जैसे किसी जगह पे पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा है, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन है पर लैंड कम है, ठीक है, तो वहां पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, हमारे पास लैंड क्यों कम होगा? अगर आप पूछोगे कि लैंड क्यों कम हो जाएगा, लैंड कम होगा जो सेकंड पॉइंट पर लिखा हुआ है कि ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, ये वाला डायग्राम देखो जो एक ब्लॉक ब्लॉक दिख रहा है। देखो जैसे मैं हूँ, जैसे कि मेरे दादाजी है, मेरे दादाजी के पास ये पूरा ब्लॉक ऑफ लैंड था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि उनके चार बेटे हुए तो वो चार हिस्सों में डिवाइड हो गए, ठीक है, तो वो और कम गया। फिर उसके बाद अगर उनके चार चार बच्चे होंगे तो वो फिर 16 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो धीरे धीरे लैंड छोटा होता गया, लैंड होल्डिंग कमता गया, है ना? बिकॉज ऑफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या हुआ कि लैंड होल्डिंग कमता गया पर पॉपुलेशन प्रेशर तो बढ़ता गया ना। उनके फिर फैमिली होंगे, उनकी फिर फैमिली होगी जनरेशन टू जनरेशन, तो वो और कमता जाएगा, पर उसमें तो आपको उतना ही ग्रो करना पड़ेगा, है ना? तो इसकी वजह से ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड ऑफ द फार्मर, वो क्या यूज करता है, इरिगेशन फैसिलिटी। नाउ इरिगेशन फैसिलिटी मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन फैसिलिटी मतलब व्हेन वी हैव अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है? क्योंकि इरिगेशन में क्या होता है कि ऊपर से मॉनसून होती है, रेन होता है, तो हमें वाटर सप्लाई हो जाता है, पर हर जगह ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? बहुत सारे जगह बहुत कम रेनफॉल होता है, राजस्थान में बहुत कम रेनफॉल होता है, इसका मतलब वहाँ पे लोग क्या कुछ उगाते नहीं है, वहाँ पे कोई यील्ड नहीं होता है। यील्ड होता है तो वो कैसे करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी के थ्रू। इरिगेशन फैसिलिटी मतलब जैसे कनाल हो गया, है ना, वो किसी तरह से भी मैकेनिकल वे में वहाँ पे वाटर सप्लाई दिलाते हैं। फाइन, सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम बहुत प्रिमिटिव टूल्स यूज कर रहे थे, है ना? वी वर कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन नेचर, डिपेंडेंट ऑन नेचर, बट हियर सिंस द पॉपुलेशन प्रेशर इज मोर वी यूज इरिगेशन। ओके, देन वी यूज HYBC। व्हाट इज HYBC? हायर यील्डिंग सीड्स। ओके, ऐसे सीड्स विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटोज, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटोज। ओके, उनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है जो कि ज्यादा यील्ड देता है, जितना एक नॉर्मल प्लांट देगा उससे ज्यादा यील्ड देता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे HYBC सीड्स यूज करते हैं। हम बायोकेमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम प्रीवियस वाले सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग था उससे ज्यादा थोड़ा मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है। फाइन, गॉट इट? सी, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। फाइन, यहाँ पे बहुत लेबर चाहिए। फाइन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कैपिटल भी आपका इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि देखो जो इरिगेशन कर पा रहा है, जो HYBC सीड्स खरीद पा रहा है, जो बायोकेमिकल फर्टिलाइजर सपोर्ट कर पा रहा है, वो थोड़ा सा तो रिच होगा ना। प्रिमिटिव वालों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, और प्रिमिटिव वाले भी अपने फैमिली के लिए ही करते थे, ये लोग भी अपने फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फैमिली ज्यादा है, हायर पॉपुलेशन प्रेशर है। फाइन, गॉट इट? ये बस कहानी जैसा है, इसको सुनते जाओ। फिर उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग है कमर्शियल फार्मिंग। ओके, तो कमर्शियल फार्मिंग में जैसे नेम ही सजेस्ट कर दे रहा है कि कमर्शियल फार्मिंग इज डन इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट। Whatever produce is, you know, developed, whatever produce is cultivated, उसको हमें बेचना है, ठीक है? वो उसी intention से करते हैं।
उसको अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं करते हैं, तो इसीलिए पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो हम पहले दो फार्मिंग में करते थे उसमें वो स्मॉल क्वांटिटी में कल्टिवेशन होता होगा, बट इसमें ऑन अ वेरी लार्जर स्केल होता है। कॉमन सेंस फाइन। तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। बहुत कॉमन चीज है। यहाँ पे मॉडर्न इनपुट्स ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, ज्यादा HYV सीड्स यूज होंगे, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में ये होगा, फाइन। और यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी तो इज अ मस्ट, फाइन। और देन हायर यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी यहाँ पे यूज होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। ओके, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, कॉमन सेंस से भी आप बोल सकते हो कि ये यूज होते ही होंगे। और लास्ट वाला है द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर varies from one region to another region. Why? ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखो, अगर जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं होता, भले ही हम वहाँ पे इरिगेशन कर ले, पर कितना इरिगेशन करेंगे? Fine, जितना पॉसिबल है उतना करेंगे। पर जैसे उड़ीसा में चावल उगता है तो वहाँ पे तो बारिश इतनी ज्यादा होती है ना, वेस्ट बंगाल पे बारिश इतनी ज्यादा होती है ना, तो वहाँ पे आराम से उग सकता है। यही चीज हम राजस्थान में कर सकते हैं, पर उतने एक्सटेंड में नहीं कर सकते जितना उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश ये सब में कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये हमारा कमर्शियल फार्मिंग था। ना, कमर्शियल फार्मिंग में ही एक चीज आती है, दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन फार्मिंग। ओके, प्लांटेशन फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ना, इसमें क्या होता है, पहले सुन लो। इसमें कमर्शियल फार्मिंग का हम एक टाइप क्यों बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग में हम ऐसी ऐसी चीजें उगाते हैं जिसको एक बार, व्हेन यू प्लांट दैट क्रॉप वंस, दैट क्रॉप विल बी देयर फॉर अराउंड 50 इयर्स और 20 इयर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फाइन। जैसे कमर्शियल फार्मिंग में अगर हम राइस उगा रहे हैं, व्हीट उगा रहे हैं, हमको उसे 3-4 महीने के बाद एक बार निकालना पड़ेगा, है ना, एक बार हटाना पड़ेगा, उसका प्रोसेस खत्म हो जाएगा, कल्टिवेशन का हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। पर ये जो क्रॉप्स हैं, तो ये किस तरह के क्रॉप्स होंगे? जैसे आप टी लगा देते हो एक बार, ठीक है, और टी लगाने के बाद वो 50 साल तक उसे छोड़ दो, वो 50 साल तक आपको ईल्ड देता रहेगा, फाइन। तो प्लांटेशन फार्मिंग है ना, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। नाउ इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, और इसमें क्या होता है कि इंटरफेस, इट हैज एन इंटरफेस विद एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये थर्ड पॉइंट क्यों लिखा हुआ है? जब हम प्लांटेशन फार्मिंग में जो जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनको ना हमें इंडस्ट्री में भी ले जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे राइस को फिर भी नहीं ले जाना पड़ेगा, हम उसे मैन्युअली भी कर पाएंगे, पर इनको इंडस्ट्री में ले जाना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज दे रिक्वायर प्रोसेसिंग। अगर हम अभी टी उगाएंगे, हम कॉफी उगाएंगे, तो उसे प्रोसेस करना पड़ेगा। बस टी लीव्स लेके हम उसका चाय नहीं बना सकते, फाइन। गॉट इट? तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, इट नीड्स टू बी ग्रोन ऑन अ लार्जर एरिया, एंड इट हैज एन इंटरफेस बिटवीन द, इट हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्लांटेशन कवर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट। देखो, यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव मतलब क्या होता है, मैन पावर ज्यादा चाहिए होता है, बहुत सारे लोग लगे होते हैं ना टी लीव्स के फार्म में, देखे होंगे। तो यहाँ पे लैंड कैपिटल इंटेंसिव है, ये बहुत लेबर रिक्वायर्ड है ना, माइग्रेंट लेबरर्स, तो यहाँ पे ज्यादा माइग्रेंट लेबरर्स आके काम करते हैं, उनके लिए इजी सोर्स ऑफ इनकम होता है, ये जाके वहाँ पे काम कर लिए, उनको इजी सोर्स ऑफ वर्क मिल गया। अभी माइग्रेंट लेबरर्स का बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा था, है ना, कि वो लोग इधर उधर से आ रहे हैं, तो वो यही सब काम के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, ठीक है। और इट इज कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, बहुत ज्यादा मैन पावर लगता है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री। अब कॉफी और टी ऐसे जो प्लांट्स हो गए जो ज्यादा अमाउंट में हम यूज कर रहे हैं एज अ प्लांटेशन फार्मिंग, ये कभी कभी रॉ मटेरियल के यूज में भी आते हैं इन एनी इंडस्ट्रीज। ओके, रॉ मटेरियल के यूज में आते हैं क्योंकि उनको फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा ना, फिर वो अलग अलग कंपनी के टी बनेंगे, है ना। तो रॉ मटेरियल आपका टी रहा, जो प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल, फिर उसको और कोई कितना, अब रेड लेवल का टी होता है आपका, आपका टाटा टी होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग पे डिफरेंस होता है, फाइन। प्लांटेशन फार्मिंग समझ में आया? ओके, नाउ आपका है क्रॉपिंग सीजंस, ठीक है, कौन सा क्रॉप किस सीजन में। नाउ दिस इज अ वेरी सेपरेट टॉपिक, क्रॉपिंग सीजन मतलब आपका कौन सा क्रॉप किस सीजन में उग रहा है, उसके बेसिस पे हम क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हैं।
ये आप लोगों ने जरूर स्कूल पे पढ़ा होगा, राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप, है ना। तो इसको बस हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे। विश्वजीत, कैन यू जस्ट पुट ऑन योर वीडियो? या यू आर लिस्टिंग? यस मैम। यू जॉइंड लेट? यस मैम। मैम देयर वाज अ नेटवर्क इशू। ओके ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू द क्लासेस। देखो खरीफ क्रॉप में क्या है कि देयर आल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप। मॉनसून क्रॉप क्यों? कॉमन सेंस, मॉनसून क्रॉप मतलब दे आर ग्रोन बिटवीन द यू नो बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ जून टू अक्टूबर। ठीक है, जून टू अक्टूबर इंडिया में मॉनसून सीजन होता है। ठीक है, तो उसके बीच में हमेशा ऐसे याद रख लेना, के एम ऐसे करके याद रख लेना कि खरीफ मतलब के, एम मतलब मॉनसून, तो के एम क्रॉप्स होता है। तो वो मॉनसून में, तब तुम्हें टाइमिंग का यू नो जून से अक्टूबर की टाइमिंग याद रह जाएगी कि मॉनसून कब आता है, तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि जून से स्टार्ट होता है अक्टूबर तक। ठीक है, तो इसे के एम क्रॉप्स याद रख लो, खरीफ क्रॉप मतलब के एम क्रॉप्स, मॉनसून क्रॉप्स होते हैं ये, और ये जून से अक्टूबर तक उगाए जाते हैं। ठीक है, कल्टिवेशन किया जाता है इनका एक्चुअली। तो और कौन कौन से हमारे खरीफ क्रॉप है इसे बस याद रखने की जरूरत है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया जा सकता। मेज, बाजरा, तूर जिसे हम अरहर बोलते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये सारी चीजें लिख लो, क्योंकि कभी कभी हमारे एग्जाम में वो पूछ लेते हैं कि कॉटन इज विच टाइप ऑफ क्रॉप, जायद क्रॉप, खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, ऐसे पूछ सकते हैं। तो फिर वो भले ही आपको कॉन्सेप्ट याद होगा पर आप मिस कर जाओगे। ठीक है, तो फिर इसमें हमें बस दो तीन चीजें याद रखनी है। एक ट्रिक याद रखना है कि खरीफ क्रॉप एक्चुअली के एम क्रॉप्स है, के एम क्रॉप्स, के एम क्रॉप्स मतलब क्या, खरीफ क्रॉप एंड मॉनसून क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप इज मॉनसून क्रॉप, अगर वो मॉनसून क्रॉप है तो वो जून से अक्टूबर के बीच ही उगता होगा। फाइन, और दीज आर द एग्जाम्पल। देखो खरीफ क्रॉप को क्या चाहिए, मॉनसून मतलब क्या, हमारे यहाँ जब मॉनसून होता है इंडिया में तब गर्मी भी हो रही होती है, ऐसा नहीं है कि पूरा ठंडा माहौल होता है। तो खरीफ क्रॉप मतलब ऐसे क्रॉप जिसको टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, मॉइस्चर भी ज्यादा चाहिए, मोर टेम्परेचर मोर मॉइस्चर दोनों चाहिए उसे, सिर्फ बारिश नहीं चाहिए, ओनली मॉइस्चर इज नॉट रिक्वायर्ड, इट ऑल्सो रिक्वायर्स टेम्परेचर एज वेल। फाइन, ठीक है। Now we are coming to rabi crop. Okay, so rabi crops are known as winter crops. ठीक है, तो देखो यहाँ पे और एक तरीका है याद रखने का कि अगर आपको rabi crops, winter crops नहीं याद है, आपको KM crops भी नहीं याद है, तो हमेशा याद रखना rabi crop मतलब ये R से है, तो opposite याद रखना कि R से है मतलब यहाँ पे rainy season होगा ही नहीं। इस तरह से भी याद रख सकते हो कि rabi मतलब R से rain नहीं होगा। ठीक है, तो रेन नहीं होगा मतलब रेन तब खरीफ में होगा, रेन इसमें नहीं होगा। तो इसमें अगर नहीं होगा रेन तो इसमें होगा विंटर, दे आर नोन एज विंटर क्रॉप्स। ठीक है, तो व्हाट इज सो स्पेसिफिक अबाउट देम, विंटर क्रॉप्स मींस दे आर हार्वेस्टेड बिटवीन, सॉरी दे आर कल्टीवेटेड बिटवीन अक्टूबर टू डिसम्बर। ठीक है, उन्हें अक्टूबर टू डिसम्बर जब ठंडी होती है तब उन्हें ग्रो किया जाता है, और हार्वेस्ट होते हैं वो समर्स के टाइम, आपका अप्रैल टू जून में हार्वेस्ट होते हैं। फाइन, ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स फ्लो चार्ट बना के तुरंत तुरंत लिखते जाओ। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है, इसके एग्जांपल्स है बार्ली, पी एंड ग्रास। फाइन, ये तीनों जल्दी जल्दी लिख लो, और ये तो आपके हैं ही, जो मेन टू है वो है वीट और मस्टर्ड। वीट और मस्टर्ड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स। उसके बाद आपका बार्ली, पीस एंड ग्रास है। फाइन, तो यहाँ पे हमें एक ट्रिक याद रह गया कि राबी क्रॉप मतलब वो रेन में तो नहीं उगते हैं, आर से राबी, आर से रेन, इन दोनों का मैच बिल्कुल नहीं है। तो राबी आपके विंटर में उगते हैं और जो आपके खरीफ क्रॉप है वो आपके रेनी सीजन में उगते हैं। फाइन, अब हम आते हैं जायद क्रॉप की तरफ। नाउ व्हाट आर जायद क्रॉप्स? जायद क्रॉप क्या होता है कि बिटवीन राबी एंड खरीफ, समर का सीजन आएगा है ना, क्योंकि जो आपका खरीफ क्रॉप था वो रेनी सीजन में आ रहा था है ना, और आपका जो रबी क्रॉप था वो विंटर में आ रहा था। तो समर में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, समर में जो खाली टाइम रहता है उसमें क्या करते हैं फार्मर्स, उसमें जायद क्रॉप उगा लेते हैं। ठीक है, तो जायद क्रॉप कौन कौन से हैं, आपके वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, अलग वेजिटेबल हो गया, फॉडर क्रॉप्स हो गया, फॉडर क्रॉप्स मतलब जो आपके एनिमल्स के लिए,
फॉडर फूड जो उनका होता है वो हो गया, तो कितना आसान है ये कि जायद मतलब समर्स वाले हो गए, ठीक है, और आपका खरीफ मतलब रेनी सीजन वाले क्रॉप्स हो गए जिसमें कि राइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट, और आपका राबी क्रॉप मतलब विंटर वाला हो गया जिसमें मस्टर्ड और वीट बहुत इम्पोर्टेंट है, गॉट इट, ठीक है। अब हम वन बाय वन इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया विच आर कल्टिवेटेड इन इंडिया द मेजर क्रॉप्स उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इससे पहले तक क्या था कि हम नॉर्मली पढ़े जा रहे थे, नॉर्मल नॉर्मल चीजें थी, टर्म्स थे, अभी क्या होगा कि टेक्निकल चीजें आना स्टार्ट हो गई, इसीलिए ध्यान से पहले सुनो और साइड बाई साइड अपना नोट्स बनाने का प्रैक्टिस करो, इस सुनते हुए आप नोट्स बनाओ, फाइन। तो अगर हम राइस से स्टार्ट करें, दिस इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, एवरी वन ऑफ अस नो राइस तो सबसे ज्यादा, और हम लोग सब अभी बिलोंग कर रहे हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से जहाँ पे सबसे ज्यादा तो राइस ही खाते हैं, है ना, इट इज वन ऑफ द स्टेपल फूड क्रॉप्स इन इंडिया। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना, ये चीज याद रख लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाइना इज फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड आफ्टरवर्ड्स कम्स इंडिया, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फाइन। तो इतना आपको नोट्स में कैसे करना है कि स्टेपल क्रॉप, मैं आपको नोट्स बनाने का ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप राइस लिखोगे हेडिंग, फिर उसका फर्स्ट पॉइंट पे लिखोगे स्टेपल क्रॉप, सेकंड पॉइंट में लिखोगे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, फिर थर्ड में लिखोगे खरीफ क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप मतलब क्या होता है कि ये रेनी सीजन में उगता होगा, है ना, केएम क्रॉप है ये, मानसून क्रॉप है, इसको उगाते हैं हम रेनी सीजन में, तो इसीलिए टेम्परेचर क्या है अबव 25 होना चाहिए। मैंने आपको भी बोला कि जो खरीफ क्रॉप होते हैं हमारे रेनी सीजन में ठंड नहीं पड़ रहा होता है, रेनी सीजन में हमारे को गर्मी भी हो रही होती है ना, तो वो क्या होता है ह्यूमिड ह्यूमिड रहता है हमारा, तो इसीलिए देखो हाई ह्यूमिडिटी चाहिए इसे, हाई मॉइस्चर चाहिए एंड टेम्परेचर भी अबव 25 डिग्रीज चाहिए। तो रेनफॉल कितना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, अराउंड अबव 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है, above centimeter 100 centimeters agar aapka rain ho that is very good for the cultivation of rice, fine। Now in the areas of less rainfall obviously jahan pe less rainfall hoga wahan pe irrigation facility se karna padega, irrigation means we have to supply the water, fine, there will be a supply of water, it is not naturally there। Aur hamara rice kahan kahan ugta hai, hamara rice mainly ugta hai west bengal mein, फाइन, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी उगता है। यहाँ पे कैसे उगता है, पंजाब में इतना ज्यादा पानी नहीं है, सो ऑब्वियसली थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन, ओके। तो राइस के बारे में तीन चार चीजें हम क्विक रिविजन करेंगे, राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ओके, इट इज अ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप मतलब स्पेसिफिक क्या है राइस का, टेम्परेचर above 25 degrees चाहिए, high humidity चाहिए and rainfall should be above 100 centimeters, fine, got it, आसान है। अभी हम दूसरे चले, एक मिनट, next में चलते हैं, that is wheat, okay, now wheat का क्या है कि wheat is the second most, this is the second most important cereal crop, fine, एक सेकेंड, या इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, ओके, इन इंडिया, इन इंडिया में सबसे ज्यादा प्राइमरी हमारा स्टेपल क्रॉप है राइस, उसके बाद है वीट। नाउ इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ देखो मैप में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ऑब्वियसली हम लोग बोलते हैं वो लोग ज्यादा रोटी खाते हैं ना, साउथ इंडियंस लोग और ईस्ट इंडियंस लोग ज्यादा राइस खाते हैं, कॉमन सेंस। इसमें एक चीज याद रखने का क्या है कि वीट इज अ राबी क्रॉप, मीन्स इट इज ग्रोन इन विंटर्स, इट इज कल्टिवेटेड इन विंटर्स, फाइन, सो वीट इज अ राबी क्रॉप, एनुअल रेनफॉल इसे कितना चाहिए 50-75 सेंटीमीटर्स चाहिए, राइस को कितना चाहिए था अबव 100 सेंटीमीटर्स, ये सब फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, तो आप इनको याद रखो, ठीक है, वीट इज अ रबी क्रॉप, राइस इज अ खरीफ क्रॉप, वीट को कितना सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए 50-75, राइस को ज्यादा चाहिए दैट इज अबव 100, या
then the major wheat producing states, यहाँ पे हमने पहले से ये बता दिया है मैंने कि wheat is mainly grown in north and northwestern part of the country, fine? तो आपके major क्या हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, fine? Even महाराष्ट्र में भी उगता है, ये गुजरात में भी उगता है, but mainly इन तीन चार states में ज्यादा उगता है, okay? Now we'll go to the next. Millets. अब हम मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ये वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग है, देखो एग्रीकल्चर थोड़ा सा बोरिंग है, पर यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा ना, द थिंग इज ये इतना आसान है इसीलिए बोरिंग लग रहा है, ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, बहुत फैक्चुअल है, रखने वाली चीजें हैं, तो इसमें ना यू शुड मेक श्योर कि विच एवर क्वेश्चन कम्स 100% आपका मार्किंग होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही खराब है, इतना इजी टॉपिक है और इसमें आप इसको ध्यान नहीं दिए क्योंकि बोरिंग लग रहा है और एग्जाम में आया और आप गलत करके आ गए, नेगेटिव मार्किंग भी आ गया, तो इससे खराब और कुछ भी नहीं हो सकता है, इसीलिए अभी ये इसको खत्म कर दो, अभी इतने अच्छे से नोट्स बना लो कि इसको दो तीन बार देखने से याद हो जाए, ठीक है? ना हम मिलेट्स पे आते हैं, मिलेट्स में क्या क्या आता है आपका, ज्वार, बाजरा, रागी और भी बहुत कुछ आते हैं, पर हम मेन इंडिया में ये तीन जानते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है? और इसे हम लोग बोलते हैं कोर्स ग्रेन्स, दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स, वाई दे आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, वाई, बिकॉज अगर इनको कम न्यूट्रिशन मिले, यू नो कम फर्टिलाइजर्स मिले, कम रेनफॉल हो, ये फिर भी उग जाते हैं, ठीक है? और एक क्या चीज है कि इनमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, तो ये विन विन सिचुएशन हो गया, मतलब हमको ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, फिर भी ये उग रहे हैं जिससे हमें ज्यादा न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एक्चुअली, राइट? हम क्यों क्रॉप्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम उससे जो खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, पर उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, उनको ज्यादा फूड, ज्यादा रेन चाहिए, ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए, पर मिलेट्स में क्या है कि वो बहुत हाईली न्यूट्रिशियस भी है, प्लस दे आर कोर्स ग्रेन, दे कैन यू नो बहुत कोर्स लैंड में उग जाएंगे, वो ज्यादा पानी नहीं चाहिए, ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, फाइन, अंडरस्टूड? Now these three are the main ones, that is the ragi, bajra, jowar. Okay? कभी आप लोगों ने इन तीनों में से कुछ खाया है? रागी का रोटी या कुछ ऐसा खाया है? Okay. Okay, let's move on. Now हम एक बाय एक अब इनका specificity पढ़ लेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी इसके notes बनाने हैं हमें. ज्वार से हम लोग start करते हैं. ज्वार is the third most important food crop with respect to area and production. Okay, it is the third most important food crop. मतलब among all the other food crops, ये तीसरा सबसे important है. कैसे? With respect to area and production. मतलब ये area इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा area में बहुत ज़्यादा product मतलब production किया जाता है ज्वार का. ठीक है? Now it is cultivated as a kharif crop. Kharif crop मतलब क्या आपका हो गया? Monsoon crop हो गया ये, है ना? मतलब इसको पानी चाहिए. पर ये साउथ इंडिया में भी होता है. साउथ इंडिया में कैसे होता है कि साउथ इंडिया में इसको इरिगेशन के थ्रू हम लोग यूज कर लेते हैं, फाइन? जहां पे भी देखोगे खारिफ क्रॉप है तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि खारिफ क्रॉप तब दूसरी जगह नहीं यूज मतलब उग सकता है जहां पे पानी कम है. नहीं, ऐसा नहीं है. उसे पानी चाहिए और टेम्परेचर भी चाहिए. अगर टेम्परेचर एक जगह है जहाँ पे पानी नहीं है, वहां पे हम इरिगेशन के थ्रू खारिफ क्रॉप उगा सकते हैं, फाइन? ठीक है. Now it is a rain fed crop. ये बहुत important है, बहुत important characteristic है ज्वार का. It is a rain fed crop, mostly grown in moist areas, which hardly needs irrigation. ठीक है? जहाँ पे ज़्यादा you know rain fed crop होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा moisture होगा, वहाँ पे ये आराम से उग जाता है. Now the major ज्वार producing states, these are मध्य प्रदेश, okay, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका. बाकी सारे जगहों में भी होता होगा इरिगेशन फैसिलिटीज के थ्रू, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, दैट इज इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक. फाइन, ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बाजरा एंड रागी. हम एक बार में खत्म कर देंगे. बाजरा ग्रोस वेल ऑन सैंडी सॉइल्स, ओके, एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स. ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बोला था कि यहाँ पे कुछ कुछ नाम आएंगे, जैसे लैटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, रेड सॉइल, और मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी अभी, तो आपको लगेगा कि ये क्या है. बस याद रखना कि दीज आर अ टाइप ऑफ सॉइल. जब मैं सॉइल इन डिटेल्स में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ये सब समझाऊंगी, एक्चुअली तब आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाऊंगी. ठीक है, इसीलिए मैं पहले ये पढ़ा दे रही हूँ ताकि जब मैं सॉइल पढ़ाऊँ तो आपको अच्छे समझ में आए. फाइन,
तो बाजरा और रागी में बाजरा जो है इट ग्रोस वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स, ओके, मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. तो जहां पे ब्लैक सॉइल्स है, ठीक है, इस वाले ये जो आपका ये सारा दिख रहा है ना आपको, इसमें से सारा जो रेड वाला है ना और ये जो सारा येलो वाला है, इसी में आपका बाजरा और रागी उगता है. तो इसको एक्चुअली आप अभी मत लिखो, मैं आपको और स्पेसिफिक वे में बता दूंगी कि कहाँ कहाँ कौन सा उगता है. बस इसके चीजें याद रख लो कि बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल में अच्छे से उगता है. रागी जो है, रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड ब्लैक एंड सैंडी सॉइल. ठीक है, गॉट इट? इसमें तो कुछ समझने वाला चीज है नहीं. रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स. ठीक है, बस ऐसे याद रख लो कि बाजरा डैश सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल, रागी डैश रेड ब्लैक सैंडी लोमी, सारे तरह के सॉइल में रागी एक्चुअली उग जाता है. तो रागी के अंदर और क्या स्पेसिफिक चीज है, हम रागी एक्चुअली उगाते क्यों? रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज. फाइन, सो रागी इज वेरी हाईली न्यूट्रिशियस. गॉट इट? चलो अब हम मेज में चलते हैं. मेज, एक मिनट, can you just tell me in chat whether you are getting it or not? See, there is nothing to get, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस चैट मुझे एक बार बता दो कि हाँ ठीक है मैम, हम नोट्स बना रहे हैं. विश्वजीत, you are making the notes or not? Okay, fine. Okay. Now coming to maize. Maize is a crop which is used as both food and fodder. Food and fodder क्यों लिखा हुआ है? Maize का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो हम खा लेते हैं और उसका जो cover है आपने देखा होगा हम गाय को खिला देते हैं, है ना? So it is used, it is multi-purpose. It can be used both as food and fodder. Now it is a kharif crop. This is an important statement. It is a kharif crop. It means इसको ज़्यादा humidity चाहिए और ज़्यादा temperature चाहिए, ज़्यादा पानी भी चाहिए, right? क्योंकि खारिफ क्रॉप मानसून क्रॉप्स होते हैं. और इसको कितना टेम्परेचर अभी चाहिए होता है? इसको चाहिए होता है अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड इट ग्रोस वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल. ठीक है, तो ये तीन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है मेज में. इट इज अ खारिफ क्रॉप, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट. देखो खारिफ क्रॉप होना मानसून क्रॉप, ठीक है, तो खारिफ क्रॉप आपका राइस भी है, खारिफ क्रॉप आपका मेज भी है, पर दोनों के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है. जो राइस है वो खारिफ क्रॉप होते हुए भी उसको टेम्परेचर चाहिए अबव 25 डिग्री. फाइन, बट मेज में जो है आपने देखा होगा कि 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए. ठीक है, तो ये मत सोचना कि कोई भी खारिफ क्रॉप है मतलब उसको एक ही तरह का टेम्परेचर चाहिए. खारिफ क्रॉप को हाई टेम्परेचर चाहिए, बट फिर भी द रेंजेस वैरी. ओके, सो हमारे मेज में चाहिए 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस. एंड द थर्ड पॉइंट इज इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल. फाइन, और यहाँ पे जो मेजर स्टेट्स हैं दे आर योर कर्नाटका, ओके, आंध्र प्रदेश, फाइन, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सभी जगह में आपके मेज बहुत अच्छे से उगते हैं. तो इसका मतलब देखो, ये दूसरी चीज याद रखो यहाँ से, कि यहाँ पे मेज अच्छे उगते हैं मतलब यहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉइल पाया जाता है. कॉमन सेंस यहाँ पे आपको रिलेट करना है. जब मैं आपको सॉइल पढ़ाऊंगी मैं आपको फिर से यही चीज पढ़ाऊंगी, जब एलुवियल सॉइल पढ़ाऊंगी तो आपको यही चीज को रिलेट करना है कि मैम ने जब हमें मेज के बारे में पढ़ाया था तो मेज का टेक्निकल चीज क्या था, कि वहां पे एलुवियल सॉइल चाहिए होता है. और फिर जब मैंने आपको जगह बताया था तो एलुवियल सॉइल इस जगह ही मिलते होंगे, है ना? तो इस तरह से थोड़ा याद रखते जा रहे हैं कि जब आप लिखे होगे भी नोट्स में कि कौन से स्टेट है जो प्रोड्यूस करते हैं, और जब आप मेज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे होगे तो वैसे ही याद हो जाएगा कि एलुवियल सॉइल कौन कौन से स्टेट में मिलते हैं. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन. अभी हम आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप पे, दैट इज कॉल्ड पल्सेस. फाइन, सो पल्सेस का क्या है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. ओके, प्रोडक्शन भी इंडिया में सबसे ज्यादा होती है और कंज्यूम भी इंडिया सबसे ज्यादा करता है. फाइन, इट इज, व्हाई इट इज कंज्यूम्ड? ठीक है, बिकॉज इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट. सी, नॉन वेजिटेरियन पीपल ऑल्सो कंज्यूम पल्स,
but then vegetarian people ke liye it is the major source of protein. Fine. Now what are the major pulses? Those are tur, urad, moong, masoor, pea, gram, obviously ye sari cheeze hai. Yahan pe important point ye hai, the fourth point, it needs less moisture and survives even in dry condition. तो देखो जो भी क्रॉप हो जिसको लेस मॉइस्चर चाहिए होगा और विच एवर कैन ग्रो इन ड्राई कंडीशन दैट इज अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर अस बिकॉज हमेशा रेन का प्रॉब्लम रहता है. आप न्यूज में सुनते होंगे कि रेन कम हो रहा है इस बार तो हमारा क्रॉप यू नो क्रॉप ग्रोथ कम होगा, है ना. तो ऐसे पल्सेस जो है जिसको कि लेस मॉइस्चर चाहिए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है. हमारा पल्स हमेशा प्रोडक्शन इसीलिए हाई रहता है रेन हो ना हो क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में उगता है, है ना. तो फिर क्या होता है और एक स्पेसिफिसिटी क्या है पल्स की, दैट इट इज लेग्यूमिनस क्रॉप. लेग्यूमिनस क्रॉप मतलब क्या होता है कि इनके रूट में ठीक है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन. ठीक है नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं मतलब हवा से नाइट्रोजन लेके रख सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं फिर से सॉइल में. तो क्या होता है कि व्हेनेवर वी ग्रो सम अदर क्रॉप्स, ओके we are growing one crop, we are growing wheat continuously, we are growing on a patch of land. So kya hoga, slowly the wheat will start absorbing all the nutrients out of the soil. Fine, the soil will be now deprived of so many nutrients. So what we do crop rotation. Wheat 2 saal uga liya, uske baad we will just put some pulses in there. Pulses put karne se kya hoga, since the pulses roots have the organism that can hold nitrogen, तो क्या होगा कि वो हवा से सारा नाइट्रोजन बाइंड करके लाके सॉइल में छोड़ देगा, तो सॉइल में फिर से रिप्लेनिश हो जाएगा नाइट्रोजन, राइट. तो इसीलिए आपको याद रखना है कि पल्सेस इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो है कि दे कैन सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन. द नेक्स्ट थिंग इज दीज आर लेग्यूमिनस क्रॉप, इट मीन्स दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, ओके. बट देर इज वन एक्सेप्शन अमंग ऑल द पल्सेस except for arhar which is also known as tur dal, okay. The arhar dal that is not leguminous, fine. To ye aapke question dekho jitna not likha hua rahega jitna except likha hua rahega wo to multiple choice mein bahut important ho jata hai kyunki wahi sab bhi confusion create karte hain. To sare jo pulses hai unme specific india dekho 3-4 points hai bas pulses mein ki india is the largest producer but also the largest consumer, fine. मेजर पल्सेस क्या क्या है, वाई पल्सेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ डायट्री प्रोटीन इन द वेजिटेरियंस, राइट. द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट नीड्स लेस मॉइस्चर सो इट कैन ग्रो इन ड्रायर एरियाज. एंड द इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दीज आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स, सो इन द रूट्स दे कैन होल्ड नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन एंड दे कैन सेंड इट बैक टू द सॉइल्स, सो दे कैन हेल्प इन द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द सॉइल, फाइन. नाउ आपका यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है कि देयरफॉर दीज आर द मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन क्रॉप्स. मैंने अभी आपको बोला ना क्रॉप रोटेशन होता है, हम 2 साल वीट उगा लेते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि सारा न्यूट्रिशन खत्म हो गया होगा तो हम पल्स उगा देते हैं ताकि नाइट्रोजन फिर से वापस आ जाए, ठीक है. तो हमारा और क्या हमें याद रखना और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि पल्सेस एक कैटेगरी में आते हैं, जैसे हम लोग सब इंडियंस हैं पर द थिंग इज हम में से कोई महाराष्ट्रियन होगा, कोई उड़िया होगा, कोई बंगाली होगा, कोई आंध्रा का होगा, तो वैसे ही पल्सेस तो एक कैटेगरी में आते हैं पर सोयाबीन, ब्लैक ग्राम और अरहर जो है वो खरीफ क्रॉप है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आउट ऑफ द पल्सेस दीज थ्री पल्सेस कम्स इन एज खरीफ क्रॉप्स, ठीक है. और आपका जो ग्रीन ग्राम है दैट इज रावी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप बोथ, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और जो मसूर दाल और बंगाल ग्राम है दैट कम्स एज रावी क्रॉप. तो इसका हम क्विक नोट्स बना लेंगे और ये आपके कहाँ कहाँ उगते हैं सबसे ज्यादा पल्सेस, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में. सो यूपी, एमपी, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पल्सेस उगते हैं. और सोयाबीन, ब्लैक ग्राम, अरहर खरीफ क्रॉप होते हैं. रावी जो आपका ग्रीन ग्राम है वो रावी और खरीफ बोथ होता है. मसूर दाल और बंगाल ग्राम जो होता है दैट इज रावी क्रॉप. खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी. शुगर केन पे आते हैं. शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. नाउ व्हाट डज इट मीन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल. यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे देखो सब लोग. यहाँ से ना
अगर हम ऐसे इसको डिवाइड करें, ठीक है, इंडिया को यहाँ से डिवाइड क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो होगा ना वो सब ट्रॉपिकल एरिया होगा इंडिया का, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो होगा वो ट्रॉपिकल एरिया होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, मतलब ये ओवरऑल हर जगह उग सकता है, पर कौन सी कंडीशन में, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, फाइन, एंड द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, एनुअल रेनफॉल भी 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। इसको बस क्विक नोट्स बनाते जाना है और मैं आपको बस पढ़ के ये बता सकती हूँ, इसमें कुछ समझाने को नहीं है। इरीगेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, जहाँ पे लो रेनफॉल होगा वहाँ पे इरीगेशन चाहिए होगा, ठीक है। मैनुअल लेबर इज रिक्वायर्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक है ये टेम्परेचर और एनुअल रेनफॉल। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंसिडरिंग द एग्जामिनेशन इज इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील। तो आपको यहाँ से दो फैक्ट्स मिलते हैं कि ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, फाइन, एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फाइन। तो इसके क्या फंक्शंस हैं, इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खंडसरी एंड मोलासेस। ये सब कुछ याद रखने लायक नहीं है, यू शुड बी नोइंग दिस। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, ये लिख लो, उत्तर प्रदेश, यूपी है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मतलब ये सारे जो सदर्न पार्ट के हैं तो सारे के सारे उगाते हैं आपके शुगर के, और यूपी में भी उगता है, फाइन। नाउ कमिंग टू ऑयल सीड्स, ओके, ऑयल सीड्स में क्या है कि ऑयल सीड्स, देखो मेन ऑयल सीड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, दोज आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड। देखो ये सब ना सुन लो, जब मुझे लगेगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो लिख लेना, ठीक है, क्योंकि लिखते रहोगे ऐसे बहुत बोरिंग लगेगा फिर। तो हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स है, ऑयल सीड्स मतलब क्या, दो सीड्स इफ यू ग्राइंड देम दे विल प्रोड्यूस ऑयल, सो ऑलमोस्ट ऑल द सीड्स गिव यू ऑयल, फाइन, बट देन ओनली ऑल द ऑयल्स वी कैन नॉट कंज्यूम, सो दोज ऑयल्स दैट वी कैन कंज्यूम फ्रॉम द सीड्स, दोज ऑयल सीड्स आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमी, ठीक है, जिसको तिल बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, देन कॉटन सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स, सनफ्लावर, okay, these are the oil seeds, okay, most of them are edible and they're used as cooking mediums, used in cooking mediums, fine, or some of them are used in soap, cosmetic ointment, there is nothing to learn in it, fine, ye teeno point aapke liye useless hai, bas batane ke liye hai ye. Oil seeds cover approximately 12% of the total crop area of the country, this is important, the fourth point is important, जितना टोटल क्रॉप एरिया है उसमें से 12% आपके ऑयल सीड्स यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑयल सीड्स के बारे में यहाँ पे थोड़े अच्छे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, दैट इज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो ग्राउंडनट का लिख लो तुरंत कि चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, फाइन। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप, ग्राउंडनट इज अ KM क्रॉप, और जितना भी ऑयल सीड्स मैंने आपको बताया, जितना भी ऑयल सीड्स दैट इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया, हाफ आउट ऑफ इट इज ग्राउंडनट, सो ग्राउंडनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ग्राउंडनट के बारे में क्या याद रखना है कि हाफ ऑफ द ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज ग्राउंडनट, ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप, ग्राउंडनट, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड, फाइन। फिर उसके बाद आपका एक सीड है दैट इज कॉल्ड रेप सीड, रेप सीड प्रोडक्शन इन इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, चाइना और कैनेडा के बाद इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ रेप सीड। सी दीज फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसे लिख लो। और फिर ये पॉइंट भी लिख लो कि लिन सीड एंड मस्टर्ड्स आर राबी क्रॉप्स, ठीक है, दे आर द राबी क्रॉप। सेसमी का क्या है, सी सेसमी हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, सेसमी इज अ खारिफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड राबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, ठीक है, तो ये कहीं भी उग सकता है इसका मतलब, ठीक है। और कैस्टर सीड ऑल्सो इट इज ग्रोन बोथ एज रबी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप,
जब भी बोथ लिखा हुआ रहेगा ना, इसका मतलब है कि इरिगेशन यूज हो रहा है वहां पे, सप्लाई ऑफ वाटर एडिशनल आ रहा है, फाइन। मुझे चैट बॉक्स में तुम लोग बताओ कि ये तो थोड़ा सा बोरिंग है, पर तुम लोगों को अभी तक तुम लोग ठीक ठाक नोट्स बना रहे हो कि नहीं, क्योंकि नोट्स इम्पोर्टेंट है। विश्वजीत, यू आर मेकिंग नोट्स? नोट्स इसमें इम्पोर्टेंट है, जितना आज तुम नोट्स बनाओगे ना, एक्चुअली स्कोर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसी को ही पढ़ते रहना, क्योंकि एग्जामिनेशन में जितना चाहिए मैंने उतना लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है? यू आर मेकिंग नोट्स, प्रलिप्ता यू आर मेकिंग नोट्स, ओके। तो इतना ही हमारा था यहाँ पे ऑयल सीड्स। फिर हम आते हैं टी पे ना, ओके। अगर हम टी पे आते, नाउ टी एंड कॉफी आर इम्पोर्टेंट, सो पे अटेंशन, ओके। नाउ टी रिक्वायर्स डीप एंड फर्टिलाइज्ड, नो वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है? या टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, ठीक है? ये लिख लो, देखो टी हेडिंग दो और उसमें लिखो कि वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट पॉइंट आपको होना चाहिए वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, ठीक है? कभी भी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, हमेशा वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट रहना चाहिए, ठीक है? फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर्स कंटिन्यूस ग्रोथ, ठीक है? ये बहुत कॉमन चीज है जो पहले लिखा हुआ है कि आपको वार्म और मॉइस्ट एनवायरमेंट चाहिए, तो मॉइस्ट मतलब तो फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए ही होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज टी इज अ लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री, ओके। इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इसमें बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होता है। अभी हमने पढ़ा था ना प्लांटेशन फार्मिंग में कि वहाँ पे माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं, है ना? यही है, टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, फाइन। नाउ व्हाई? इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, फाइन। यहाँ पे जो आते हैं ना वो एक्चुअली थोड़े बहुत तो स्किल्ड होते हैं, क्योंकि टी का आपने देखा होगा ऊपर के जो पत्ते होते हैं उसी को ही प्लग करना होता है, एकदम सॉफ्ट वाले पत्तों को प्लग करना होता है, सो दैट इज अ स्किल। बट देन क्या होता है कि इतना ज्यादा उनको लेबर कॉस्ट नहीं मिलता है, ठीक है? सो द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर योर तमिलनाडु, केरला, ठीक है? इनका टी का फ्लेवर एक्चुअली, दिस इज अ फन थिंग, दैट असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला में सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन होता है, पर असम और वेस्ट बंगाल के टी का टेस्ट डिफरेंस होता है, तमिलनाडु और केरला के टी का टेस्ट आपको डिफरेंट मिलेगा, ओके? सो इसी तरह से याद रख लो, मतलब अगर याद रखने में दिक्कत होगा ना तो याद रख लेना कि असम और वेस्ट बंगाल दोनों पास पास है, वहां का टी का टेस्ट अलग होता है, साउथ का टी का टेस्ट अलग होता है। तो साउथ इंडिया में सबसे लास्ट में जो दो टू स्टेट्स हैं, दैट इज तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है? तो ऐसे ही याद रख लो कि इन चारों स्टेट्स में प्रोडक्शन होता है। नाउ कमिंग टू कॉफी, इंडियन कॉफी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? क्योंकि इंडियन कॉफी की जो क्वालिटी होती है दैट इज अरेबिका वेराइटी, ये याद रख लो कि इंडिया में जो वेराइटी ऑफ कॉफी मिलती है दैट इज अरेबिका वेराइटी, जो कि एक्चुअली यमन से आई थी, ठीक है? तो इसीलिए इंडिया की कॉफी का बहुत डिमांड है, फाइन। तो इसमें आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा चीज इम्पोर्टेंट है कि अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफी इंडिया में मिलता है, विच वॉज ब्रॉट फ्रॉम यमन, ठीक है? इट वॉज नॉट इंडिजिनस टू इंडिया, यहाँ इंडिया में ही नहीं होगा अरेबिका। अरेबिका मतलब ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट से आया होगा, सो कहाँ से आया है? ये यमन से, फाइन। और फिर सबसे पहले जब हम उसे लाए तो हम उसे कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए? बाबा बुडान हिल्स, ये लिख लो कि सबसे पहले हमने कॉफी कल्टीवेशन कहाँ पे किया? बाबा बुडान हिल्स में। और यहाँ पे टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड, सी हर जगह कॉफी कल्टीवेशन नहीं होता है, फिर भी टी का बहुत जगह कल्टीवेशन होता है। कॉफी कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, फाइन। सो जो हमारे नीलगिरी हिल्स है वहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन होता है, और हमारे इंडिया में अरेबिका वैरायटी का आपको कॉफी मिलेगा, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम यमन, ओके। एंड देन फर्स्ट इट वॉज कल्टिवेटेड ऑन बाबा बुडान हिल्स, फाइन। बस इतना ही दो तीन पॉइंट याद रखना है, ओके। नाउ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स,
हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, तुम लोग को पता है हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? डू नॉट गूगल इट, जस्ट कॉमनली टेल मी हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर मतलब प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। याद रख लो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, या फिर वो डेफिनेशन दे दिया होगा, फिर आपको चार एमसीक्यू दे देंगे। तो इसीलिए हॉर्टिकल्चर मतलब कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फाइन, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीकल्चर, पिसीकल्चर, ठीक है, सीरीकल्चर क्या होता है, पिसीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये सब एग्जामिनेशन में आते हैं। आपके एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये सब में अगर आप मार्क्स लूज करते हो ना, देन एक्चुअली यू मतलब ऐसे फील करना चाहिए कि आई डू नॉट डिजर्व टू गो देयर, बिकॉज दीज आर कॉमन सेंस। आप बार बार पढ़ते हुए ना आपको ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। तो अभी अभी मैंने आपको जो बताया, पीसी कल्चर मतलब फार्मिंग ऑफ द फिशेस, ठीक है, उसे पीसी कल्चर बोलते हैं। तो पीसी कल्चर कैसे याद रखोगे, पाइसिस होता है ना जोडियक साइन, जोडियक साइन पाइसिस होता है, तो पाइसिस से पीसी याद रख लो। तो पीसी कल्चर मतलब मछली उगाने वाली चीज, ठीक है, और फिर आपका जो हॉर्टिकल्चर होता है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गया, ठीक है। सीरी कल्चर मतलब सिल्क कल्टिवेशन, तो एस से सीरी, एस से सिल्क, ठीक है। तो इंडिया इज द, अभी हम हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के क्या है यहाँ पे। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। तो इसको अगर आपको याद तो ये रहना चाहिए, अगर नहीं याद रहेगा तो याद रख लेना कि इतना पॉपुलेशन है इंडिया और चाइना में, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा उगाना ही पड़ेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो चाइना में सबसे ज्यादा उगता है क्योंकि वहाँ पे और ज्यादा पॉपुलेशन है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज इंडिया, ठीक है। इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, ठीक है। ट्रॉपिकल मतलब अभी मैंने आपको बताया था, ट्रॉपिकल मतलब समझ में आया था आपको, है ना। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड इट इज अ टेम्परेट कंट्री ऑल्सो। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये आपको सब्सिक्वेंट क्लासेस में समझ में आ जाएगा। बस याद रखो ये चीज कि इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, और इसमें कुछ भी पढ़ने लायक चीज नहीं है। मैंगो कहाँ कहाँ उगते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस याद रख लो कि ऑरेंजेस सिर्फ नागपुर में ही नहीं उगते हैं, क्योंकि हमें ऑरेंजेस बोलते ही नागपुर याद आता है। चेरापूंजी, मेघालय में भी छोटे छोटे ऑरेंजेस उगते हैं जो कि बहुत फेमस है। बनानास, केरला, केरला चिप्स, है ना, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लीची, गुआवा हो गया, दीज आर नथिंग एक्चुअली टू मग अप, ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रबर इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ दिस इज योर कमिंग टू द नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। तब तक हम कंज्यूमेबल आइटम्स पढ़े जा रहे थे, अभी आपके नॉन फूड क्रॉप्स पे हम लगाए। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रबर इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप, ठीक है, इक्वेटर के पास। एक्चुअली देखो यहाँ पे पिक्चर में देखो, इंडिया का जो मैंने मैप डाला है, इक्वेटर में यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, इंडिया से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इंडिया के बहुत नीचे एक्चुअली क्या होता है कि इक्वेटर गुजरता है, ठीक है। तो इसके बीच में इस पूरे पोर्शन को एक्चुअली हम मिला के बोल देते हैं कि इक्वेटोरियल क्रॉप है ये, फाइन। तो आपको दिख रहा होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे इक्वेटर होगा, उसी के बीच में ही दो स्टेट्स हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, जो तीन स्टेट्स हैं, और अंडमान निकोबार है, वहां पे ही उग रहा है मेनली, है ना। तो इस तरह से याद रखो कि इट इज अ इक्वेटोरियल क्रॉप। तो इक्वेटर के पास वाले, इक्वेटर यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा और नीचे मिलेगा, बट एटलीस्ट इक्वेटर से ये पास है, तो इसीलिए ये सारे स्टेट्स में आपको मेनली मिल रहे हैं, फाइन। सो अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। जैसे कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे मेघालय, ठीक है। तो ये मेघालय के लिए ही ये सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। व्हाट इट, इजी है, इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि इसको गर्मी भी चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए, ठीक है। रेनफॉल कितना चाहिए, रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए एक्चुअली, रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर्स, ठीक है, एंड द टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस।
टेम्परेचर कितना चाहिए 25 डिग्री से अबव होना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए 200 डिग्री सेल्सियस से 200 सेंटीमीटर से अबव होना चाहिए, ठीक है ना। रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ये तो हमें पता ही है, रबर से सब कुछ बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है, पर यहाँ पे हमारे सिर्फ तीन चीजें, तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेनफॉल कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इनको, फिर उसके बाद है कि इट स्पेसिफिकली ग्रोज इन इक्वेटोरियल रीजन्स बट अंडर स्पेशल कंडीशन। कौन से कंडीशन स्पेशल होने चाहिए, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट हो और प्लस बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे ये उग सकता है। फाइन, जगह कौन सी है, अपर पार्ट ऑफ द कंट्री में, मेघालय में, मेघालय में बहुत बारिश होती है, वहां पे चेरापूंजी है ना, वहां पे और एक दो प्लेसेस है जहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो इसीलिए यहाँ पे बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, इसीलिए इट इज अ स्पेशल प्लेस अपार्ट फ्रॉम द प्लेसेस विच आर नियरर टू इक्वेटर वेयर देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ रबर। नाउ कमिंग टू द फाइबर क्रॉप्स, ओके, विच आर अगेन नॉन फूड क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स मतलब क्या हो गया, आपके कॉटन, जूट, हेम्प है ना, नेचुरल सिल्क, ये आपके फोर मेजर, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। फाइन, तो इसमें क्या चीज है कि जो फर्स्ट कॉटन, जूट और हेम्प है वो आपके प्लांट से, दैट दोज आर ग्रोन इन सॉइल बट नेचुरल सिल्क इज एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, यही डिफरेंस है उनमें, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म, चलो अभी बहुत बोरिंग हो गया, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि सिल्क वॉर्म से हम सिल्क कैसे निकालते हैं। जनरली क्या करते हैं फार्मर्स कि सिल्क वॉर्म खरीद के लाते हैं, ठीक है, सिल्क वॉर्म के एग्स। मैं अभी आपको क्या बता रही हूँ, सिल्क कैसे प्रोडक्शन होता है। सो दे बाय द सिल्क वॉर्म एग्स, ओके, एंड दे पुट इट इन अ फ्रीजर, ओके, अलॉन्ग विद द टेम्परेचर कंडीशंस ऑल्सो होंगे, बट फ्रीज भी, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी चाहिए होगा उन्हें। दे विल पुट इट अलॉन्ग विद द मलबेरी लीव्स बिकॉज दे फीड ऑन मलबेरी लीव्स द सिल्क वॉर्म्स। फाइन, तो इसीलिए वो दोनों को रख देते हैं, व्हेन दे हैच दे विल स्टार्ट फीडिंग थ्रू द मलबेरी लीव्स, ओके, फिर वो दे विल स्लोली ग्रो अप एंड आफ्टर दे ग्रो अप दे विल स्टार्ट सिक्रीटिंग सलाइवा, वो सलाइवा जैसा कुछ छोड़ते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि वही सलाइवा इट स्टार्ट्स हार्डनिंग अप और उससे वो चिपक जाते हैं, सलाइवा ऐसे एक वॉर्म रहता है दैट विल स्टार्ट सिक्रीटिंग सलाइवा और वो सलाइवा में ही जाके चिपक जाता है एंड दैट सलाइवा बिकम्स कुकून। फाइन, Here you can see a cocoon. Okay, तो जब ये cocoon बन जाता है, at that time what we do is what the farmers do, they will just boil it. So unfortunately the silk worm dies, but we will get the silk out of it. फिर उसका थोड़ा processing किया जाएगा, फिर हमें silk मिल जाता है. Fine. So this process is called sericulture. Okay. So the rearing of silk worm, ये production का process मैंने क्यों बताया, ताकि आपको sericulture याद रहे. Fine. So S से याद रखना, सिल्क, एस से सेरिकल्चर, ओके। तो हमारा जो कॉटन है ना, कमिंग टू कॉटन, कॉटन भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और इंडिया से ही कॉटन प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, मतलब इंडिया में ही कॉटन यू नो डेराइव हुआ था, ठीक है। तो इंडिया में ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, अगर आप लेटेस्ट डेटा देखोगे जो मैंने नीचे डाला है, इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद चाइना में होता है, उसके बाद यूएसए में होता है। फाइन, ये याद रख लो, ये लेटेस्ट डेटा है। देखो ग्रेटर देन स्मॉलर देन साइन देना स्टार्ट कर दो, कॉटन प्रोडक्शन ऐसे करके लिखो, कॉटन प्रोडक्शन इंडिया चाइना है ना, ग्रेटर देन ऐसे करके, या फिर स्मॉलर देन साइन, विच एवर यू आर कंफर्टेबल, ऐसे करके नोट्स बनाओ ताकि जल्दी जल्दी रिविजन हो सके। देखो अब खत्म हो गया हमारा बोरिंग टॉपिक है ना, फाइनली तुम लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि फाइनली अब खत्म हो गया ये चीज। तो ये खत्म हो गया, तो 10 मिनट हम लोग हर दिन देंगे, 10-15 मिनट कुछ फैक्ट्स याद रखने के लिए। जैसे कल हम लोग आपका बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे थे है ना, तो आज हम लोग और एक चीज पढ़ेंगे, दैट इज लेक्स इन इंडिया, ठीक है। नाउ दीज आर द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। फाइन, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव योर वीडियो ऑन। विश्वजीत, कैन यू जस्ट पुट ऑन योर वीडियो, वीडियो ऑन करके रखो अभी। प्रलिप्ता का ऑन है, विश्वजीत जस्ट, और 10 मिनट का हमारा क्लास है, तो उसके लिए ऑन करके रखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा ये, इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर, ठीक है। लेक क्या है, सिंपल सी चीज, इसका डेफिनेशन तो याद रखना है नहीं, इट इज एन एरिया फिल्ड विथ वाटर। फाइन, कॉमन सेंस। और लेक का ना क्लासिफिकेशन है,
ये जल्दी जल्दी हम कर लेंगे. लेक जो है दैट इज फ्रेश वाटर लेक, इट कैन बी फ्रेश वाटर लेक और सॉल्ट वाटर लेक. फाइन ना, सॉल्ट वाटर लेक का और क्लासिफिकेशन फर्दर नहीं है. बट फ्रेश वाटर लेक में इट कैन बी नेचुरल फ्रेश वाटर लेक और मैन मेड फ्रेश वाटर लेक. फाइन, सो नेचुरल वाले में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है. पर नेचुरल में क्या है कि इट कैन बी योर फोर टाइप्स, ग्लेशियल, टेक्टोनिक, क्रेटर टाइप, ऑक्सी. ऑक्सी लेक, क्रेटर लेक, टेक्टोनिक लेक, ग्लेशियल लेक. फाइन, और आपकी जो मैन मेड होंगे वो तो आपके नॉर्मल डैम्स, जो रिजर्वॉयर डैम्स है और एम्बैंकमेंट. हेलो, ठीक है, ये मैं सब आपको एक बाय एक समझाऊंगी. एक्चुअली इसमें कुछ भी समझने का नहीं है क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि लेक के वैरायटीज क्या क्या है. पर जब मैं आपको एग्जाम्पल एक एक लेक बताऊंगी कि इंडिया में कौन सा लेक कहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा जान लेना हमारे लिए अच्छा है. ठीक है, अगर वो ऑक्सी लेक बोलेगा, देखो मैं क्यों बता रही हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ लेक. हाँ विश्वजीत बोलो, चैट बॉक्स में डालो क्या डाउट है. Any doubt? Just type it out, whatever doubt you have. Do we have to write this? No. If you want to write, you can write. ठीक है? इसके बाद जो points आएंगे कि कौन सा lake कहाँ पे है, you have to make notes of this. See, it's up to you. It's not mandatory to make notes. अगर तुम्हें सब कुछ याद रह जा रहा है, then don't make notes. पर एक ह्यूमन बीइंग को, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नहीं याद रहेगा, इसीलिए नोट्स बना लेना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी अभी सुन लो, इसके नोट्स बनाने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है. मैं क्या बोल रही थी कि अगर कभी आता है कि अ टाइप ऑफ ऑक्सी लेक, तो ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को, ताकि आपको पता रहे कि ऑक्सी लेक, ग्लेशियल लेक है ना, टेक्टोनिक लेक, ये सब फ्रेश वाटर लेक्स ही होंगे. ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऑक्सी लेक आ गया, दिस ऑक्सी लेक इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट वाटर लेक की फ्रेश वाटर लेक, आपको पता है कि सॉल्ट वाटर का तो कोई वेराइटी नहीं था जो मैम ने दिखाया था क्लासिफिकेशन में. ये सारे के सारे जो क्लासिफिकेशन थे वो सब फ्रेश वाटर के थे. ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ. एक्चुअली ये जितना जो कुछ भी मैं डाल रही हूँ ना, वो सब उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि एमसीक्यूज में इस तरह के कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो. फाइन, सो सॉल्ट वाटर लेक हमारे दो तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर. सॉल्ट वाटर का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है. सॉल्ट वाटर लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक. ठीक है, बट फ्रेश वाटर लेक कैन बी अ नेचुरल फ्रेश वाटर लेक एंड मैन मेड फ्रेश वाटर लेक. फाइन, ना नेचुरल में कितने तरह के होंगे आपके, ग्लेशियल, टेक्टोनिक, फिर आपका हो जाएगा क्रेटर एंड ऑक्सी लेक. अभी आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, जस्ट टर्न ऑन योर वीडियोस. आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज में सुना होगा कि एक लेक था जिसका रंग पिंक हो गया. ये सुना था न्यूज में? न्यूज सुनते हो तुम लोग? एक लेक था जिसका कि कलर चेंज हो गया, पिंक हो गया है ना, तुम लोगों ने सुना होगा. वो कौन सा लेक था मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, कौन सा लेक था जो अभी रिसेंटली न्यूज में आया था. एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं दे रहा तुम लोग की आवाज, तो तुम लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ लिख के कि वो कौन सा लेक था जो कि अभी जिसका कलर चेंज हो गया. कौन सा लेक था? प्लीज मुझे गूगल करके मत बताना. अगर आपको नहीं याद आ रहा है ना, तो मुझे फ्रैंकली बता देना कि मैम हमने सुना था पर नहीं याद आ रहा है. ओके, यू डू नॉट रिमेम्बर देन नेम. ओके, इट वाज इन महाराष्ट्र, द लेक्स नेम वाज लोनार लेक. ओके ओके प्रलिप्ता, नो वरीज. द थिंग इज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि रिसेंटली यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ लेक दैट चेंज्ड इट्स कलर, इट टर्न्ड पिंक सडनली. Overnight it turned pink. Have you heard of it, Pralipta? In news recently, it was too much in news. Ki one lake just changed its color to pink. Okay, you haven't heard. Okay, fine. So, kya hua ki ek lake hai Lonar Lake karke, Vishwajit ne uske baare mein suna hai ki wo Lonar Lake aapka Maharashtra mein hai. Okay, and it just changed its color.
तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इट वॉज अ टाइप ऑफ क्रेटर लेक. ओके, तो क्रेटर लेक मतलब वहां पे ना, क्रेटर मतलब क्या होता है, रुको मैं आप लोग को बताती हूँ. ये जस्ट टर्न ऑन योर वीडियोस प्लीज, लास्ट के जो 5 मिनट के हैं उसमें वीडियो प्लीज ऑन कर दो, उसके बाद हमारे क्लासेस खत्म होने वाले हैं. जस्ट हमारा अभी वीडियो ऑन करके रखो और इसे मेरे साथ देखते जाओ. इसमें कुछ लिखने का नहीं है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने के हैं उसे साइड बाय साइड लिखते जाओ. ठीक है, अभी हम एक एक लेक, आज हम 5 लेक के बारे में सीखेंगे. ठीक है, जो कि सॉल्ट वाटर लेक होंगे, ये फ्रेश वाटर लेक्स नहीं है. जितने लेक अभी मैं आपको बताऊंगी दोज आर द सॉल्ट वाटर लेक्स. ओके फाइन, सो द फर्स्ट लेक इज चिलिका लेक. यू ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, चिलिका लेक. Right, Vishwajit, you must have heard of it, Chilika Lake. It's in Odisha. Fine. Yes, so the largest lake. About it, it is the largest saltwater lake in India. Fine. और इसके water को बोलते हैं brackish water. Brackish water का मतलब क्या होता है? Salty, but not as salty as the sea water. Okay. जब कोई बोलता है ना, it has brackish water. Brackish water मतलब salty है, क्योंकि sea water is very salty. But in comparison to sea water, it is not as salty. ठीक है, इसीलिए उसे brackish water बोलते हैं. So it is the largest salt water lake in India. Its water is brackish, and this lake is a lagoon. Now lagoon का मतलब क्या होता है? ये यहाँ पे जो एक image आपको दिख रहा है, lagoon का मतलब ये Bay of Bengal दिख रहा है? दिख रहा है Bay of Bengal? दिख रहा होगा ना, ये Bay of Bengal लिखा हुआ है. हाँ, तो यहाँ पे एक पैच ऑफ लैंड है और उसके बाद आपका आ रहा है ये लेक जो चिलिका लेक है. ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैंने नोट्स लिखा है. दिस लेक इज अ लगून. लगून मतलब क्या है? स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बाय अ थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड. सो अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड बाय अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर बाय अ थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड. ये थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड उसको डिवाइड कर रहा है, तो वैसे एरिया को बोलते हैं लगून. ठीक है, तो हमारा जो चिलिका है वो एक सॉल्ट वाटर लेक है, वो लगून भी है. ठीक है, एंड इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून. ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज दिस डॉल्फिन. डॉल्फिन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ये डॉल्फिन. इस डॉल्फिन का नाम है इरावाड़ी डॉल्फिन. ठीक है, सो इंडिया में इरावाड़ी डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलते हैं? चिलिका लेक. पूरे होल ऑफ इंडिया में इरावाड़ी डॉल्फिन आर फाउंड ओनली इन द चिलिका लेक. फाइन, ओके, सो can you guys just give me a thumbs up please, just turn on the video and give me a thumbs up. Yeah, okay, so abhi hum class yahi pe khatam karenge, nahi to bahut zyada boring ho jayega. Mujhe bas chat box mein ye bata do ki aaj tum logo kuch yaad raha crops ke bare mein. Vishwar ji, thoda sa kuch crops ke bare mein yaad raha है ना? याद रहा, सो दैट इज अ प्लस थिंग. अगर याद रहा तो बहुत अच्छी बात है. और जो जो नोट्स बनाते हो, देखो मैं क्लास में जब क्लास लेती हूँ, जो जो चीजें बताती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे वो हेल्प करेगा. जैसे अभी आपको नहीं समझ में आया कि मैंने लेक का सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर क्यों बताया, वो मैं आपको एक्चुअली अभी लेक स्टार्ट करने वाली थी, नहीं करूंगी बिकॉज द टाइम इज ऑलरेडी अप एंड Today there was too much of information. Please आप लोग एक काम करना कि आप लोग कल की क्लास में थोड़ा बहुत आज का पढ़ के आना, आज का ये जो क्रॉप्स के बारे में थोड़ा बहुत थोड़ा सा रिविजन करके आना कि हम एक क्विक डिस्कशन कर सके कल. ठीक है, जस्ट से मी येस और नो इन द चैट बॉक्स. कल के क्लासेस के लिए प्लीज थोड़ा सा पढ़ के आना. फाइन, तो कल हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे इसके ऊपर. ठीक है, और आज के क्लास को हम यहीं पे रख लेंगे. ठीक है, आज के क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे. एंड आई वांट यू ऑल टू रिमाइंड अगेन कि एवरीडे देयर क्लासेस विल बी फ्रॉम 5 to 6:30. इफ देयर इज एनी चेंज वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू. ओके,
And then the thing is, on Monday, there is always a one-on-one session. Monday को पढ़ाई नहीं होगी, Monday को आपके जो doubts हैं, ठीक है, आपको कोई personal issue भी है, और आपको हम techniques बताएंगे कि examination कैसे easily qualify करें, किस चीज़ पे ज़्यादा focus करें, आपका weakness क्या है, आपका plus point क्या है, ठीक है, आपके strength, आपके weakness पे discuss करेंगे. देखो, आप geography पूरा पढ़ लो, ये मेरा motto नहीं है, मेरा motto है कि आप कैसे exam qualify कर लो. तो अगर आपका maths अच्छा है, तो मैथ्स भी पूरा हाफ पोर्शन मैथ्स का अगर आ रहा है आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके एग्जामिनेशन में, देन आई विल आल्सो यू नो मोटिवेटिंग यू टू बी गुड एट मैथ्स. ठीक है, सो मंडे को एक वन ऑन वन सेशन होगा, तो मंडे के सेशन को भी नहीं मिस करना है. उसके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसके टाइमिंग्स के बारे में. पर हर दिन प्लीज क्लास अटेंड किया करो, ठीक है, क्योंकि ये क्लास अटेंड करोगे ना, तो क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा. हम आपको कुछ कुछ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं अभी, वो मटेरियल्स भी आप पढ़ोगे तो फिर आपका और क्लियर होता जाएगा. फाइन, ओके, सो ओके देन, आज का क्लासेस हम यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके बाद आपके मैथ्स क्लासेस होंगे और आधे घंटे में, और कल के क्लास हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री क्लास ज्योग्राफी क्लास के बाद होगा. अभी कंटिन्यूअसली आपका ज्योग्राफी क्लास चलेगा, ठीक है, फिर आपका पॉलिटी क्लास चलेगा. एक्चुअली इसके बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे मंडे. फाइन, मंडे को हम आपको बता देंगे कि कौन से क्लास किसके बाद होंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना ज्योग्राफी का, ऐसे साइड बाई साइड हम नहीं कर सकते. ओके ओके देन, I'll just end this meeting and thank you for coming. Please do revise. Okay, please revise. It will help you only. Okay, then bye. Thank you.